राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को सेक्टर 16 स्थित गांधी स्मारक में मीडिया के सामाजिक दायित्व विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दैनिक अर्थ प्रकाश समाचार पत्र के मुख्य संपादक श्री महावीर जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं पंचकुला के पूर्व DPRO विनोद कश्यप विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। प्रेस का सतर कितना नीचे गिरता जा रहा है, उस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अब पार्टी को मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मीडिया हाउसेज व्यापार की तरफ झुकाव होता जा रहा है। पत्रकार जो पहले होते थे उस तरह उनमें गट्स नहीं रहे, या ये कह सकते हैं कि जो उनके संस्थान हैं वो उनसे इस तरह के काम कराने शुरू कर दिए हैं व्यापारिक एंगल से। तो आज हमको सबको परिवार में बैठे जो हम ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो प्रेस पत्रकारों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। ये बड़े हाई लेवल पे इसकी डिस्कशन होनी चाहिए और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अकेले पत्रकार को प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या कहीं भी हो, पत्रकार की एक अलग से इमेज है कि चौथा स्तंभ है। लेकिन कहने को तो चौथा स्तंभ रह गया है, लेकिन अब वो सच्चाई में बहुत जो एक समाज में उसकी होना चाहिए उसका स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। तो इस मौके पर मैं सभी यार दोस्तों से, भाई बंधुओं से, सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम मिलजुल कर इस पर गहन विचार करें कि इसका स्तर कैसे उठा जाए। महात्मा गांधी जी अकेले थे, चले थे, देश आज़ाद करवाया फलाना। अगर हम ये सोचेंगे कि हम अकेले हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। इंसान के अंदर एक अंदर से भावना होनी चाहिए कि हम कुछ करें। तो मैं तो सभी आए भाई लोगों से और जोर साहब से, दर साहब से, सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल का ये गांधी स्मारक हमारा मेन हेडक्वार्टर है, यहीं से इस तरह की कोई शुरुआत की जाए जो बाकी पूरे देश में भी उसका संदेश जाए। तो इसी के साथ मतलब मैं पत्रकार दिवस पर एक बार फिर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे बीच में महावीर जैन जी आए हुए हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर आ गए। और जौहर साहब ने जैसे सुबह मेरे को कहा कि भाई आज प्रेस दिवस है, कुछ करना चाहिए, ना कि कर लेते हैं, लेकिन पहले से होता तो शायद कुछ हम अच्छा बड़ा फंक्शन करते, कुछ थोड़ा सा बढ़ाते लोगों को। तो चलो खैर जो भी हुआ, तो पत्रकारिता के बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा, गांधी जी एक बहुत बड़े पत्रकार रहे और जब वो शुरू में गए वहाँ अफ्रीका में, जब उनका वो उनको अदालत से बाहर निकाल दिया था फैटा होने के, और अपना जो सिर पर बांधे हुए थे अपना कपड़ा, तो उन्होंने सारे जितने भी वहाँ पत्र थे, जो भी दैनिक पत्र थे, उसमें सबको लिखा, उस चीज़ का हवाला दिया। तो जो अंग्रेजी सरकार के पत्र थे, जो उनके पक्ष वाले थे, उन्होंने तो छापा नहीं वो, लेकिन फिर भी दो चार में गिरता पड़ता कुछ कट करते हुए कुछ कहीं ना कहीं वो चीज़ आ गई कैसे ऐसे ये हुआ अदालत में। तो एक उन्हें बल मिला, लोगों ने पढ़ा कि कौन आदमी आया, कौन लड़का आया, तो लड़के की बात थी। तो हाँ, तो वो गए तो उनको रोशनी अब आई कि भी चलो ये व्यक्ति कोई है। इस तरह उन्होंने जो है जो भी वो काम करते थे ना, पहले लिख कर दे देते, न्यूज़ पेपर से भेज देते, कोई अनशन करना है, कुछ और करना है, सरकार को भी लिख देते थे, चाहे बेशक सरकार उन्हें फिर बंद कर देती थी अंदर, लेकिन एक तरह से उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की अपने जीवन में। कुछ पत्र चलाए, दो पत्र तो उन्होंने वहीं पर जो है किए, उनके संपादक रहे, लिखते थे वो, और हर हफ्ते उनका छपता था। और यहाँ फिर भारत आने के बाद भी उन्होंने हरिजन से एक दो पत्र और भी चलाए, तो इस तरह उनका भी जीवन रहा और निष्पक्षता भी रहा उनका। आजकल तो खैर जैसा जैन साहब ने कहा भी, आदर्श तो खत्म ही हो गया लगभग, और सारा व्यापारिक मामला हो गया है,
पॉलिटिक्स का बिजो दी है साथ में, पॉलिटिक्स खरीद लेती है पत्रों को फिर अपनी मन मर्जी से खबर छपाते हैं। खैर ये भी कभी ना कभी समय बदलेगा धीरे धीरे, कि हर चीज में बदल आता है जो भी होगा, तो पत्रकार लोग ही बदलेंगे। वो खुद ही कहते हैं कि भाई आज कमी है, क्योंकि कमी नजर आ रही है उन्हें खुद में कमी है या आस पड़ोस में देखते हैं। तो आज प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में मैं भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।